माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को फिर लाया जाएगा प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस करेगी पूछताछ। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित माफिया अतीक अहमद और उसके साथ उसके भाई अशरफ को प्रयागराज फिर से वापस लाने की तैयारी चल रही है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को एक बार फिर प्रयागराज वापस लाया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में सीजेएम इलाहाबाद द्वारा जारी वारंट बी का तामिल विवेचक द्वारा साबरमती जेल बरेली जेल प्रशासन को कराया जा चुका है। आपको बता दे कि प्रयागराज में सेंट्रल जेल नैनी की व्यवस्था एक नए सिरे से चाक चौबंद की गई है। नए जेल अधीक्षक की पोस्टिंग के साथ ही पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी ने जेल पर विशेष फोकस किया है। पिछले सप्ताह दो बार औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पूरी जेल के चप्पे चप्पे की तलाशी भी कराई गई थी। जेल के बाहर पुलिस अब लगातार नजर रखेगी और इसके लिए अलग से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई सेंट्रल जेल नैनी में ही रहेंगे। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी सेंट्रल जेल नैनी प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। कोर्ट द्वारा जारी वारंट के तहत अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज वापस लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज सेंट्रल नैनी जेल ले जाने की अनुमति भी दे दी है। आपको बता दें कि अगर शनिवार को प्रयागराज पुलिस अशरफ की कस्टडी रिमांड पाती है तो इस दौरान उससे पूछताछ की जाएगी। इस मामले से जुड़े बहुत से सबूतों व आरोपियों के छिपने के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके साथ ही अतीक और अशरफ के कार्यालय बरामद करीब 74 लाख रुपए और 10 असलहे के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिल सकती है।